हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड द टॉपिक मीन्स यू क्वेश्चन आंसर अप टू फिफ्थ। कहाँ तक कम्प्लीट कर दिया था स्टूडेंट हमने? अप टू फिफ्थ। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। फिफ्थ वी हैव कम्प्लीटेड, नाउ वी आर स्टार्टिंग सिक्स्थ। वट इज़ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज आस्किंग, मतलब इन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज आस्क्ड। सो वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हमें चेक करना है इसमें, हमें वी विल टेल दैट वेयर इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स, यू विल सी हियर दैट जहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट का जो सोर्स है दैट इज़ ऑलवेज वट रेडिएशन। यहाँ से ये फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, येलो कलर की आपको दिख रही है फ्लेम सी। सो दिस इज़ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन। क्या है स्टूडेंट? ये रेडिएशन। नाउ ये कंटेनर, वी आर हीटिंग एट द बॉटम, बट अगर इस कंटेनर को आप यहाँ भी चेक करोगे देन इट इज़ ऑल्सो हॉट। वाई? बिकॉज दैट हीट अगर बॉटम से फ्लो होते होते यहाँ तक फ्लो होके आ गई इन सॉलिड के अंदर। सो क्या था स्टूडेंट? This is conduction. This is called conduction. And third, what we told in liquid substance. Now here is the water or any other substance, but it is liquid. ये liquid दिख रहा है पानी की तरह इसके अंदर। So पानी के अंदर या यहाँ पर इसके ऊपर जो air है, the air above this water, what it will also become hot. आप पानी के पतीले के ऊपर ऐसे अपने हाथ करके देखोगे students, तो आपको गर्माहट आती है, ठीक है। सपोज़ ये कंटेनर है, इसके ऊपर हम इसको हम नीचे से हम हॉट कर रहे हैं, इसके ऊपर आप ऐसे हाथ रखो आपको गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि इस वाटर की वजह से ये जो ऊपर का एरिया यहाँ पे ये भी गर्म हो जाता है, यहाँ पे भी एयर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? गर्म हो जाएगी। सो हेयर हेयर ऑल्सो द एयर नियर दिस वन और ये इसके अंदर भी। सो दिस इज़ बाय द मैथड ऑफ कन्वेक्शन। विच मैथड स्टूडेंट्स? कन्वेक्शन। This is convection. Now we will see, this topic is clear. So this flame is radiation, this is conduction and this one is convection. ये नहीं है कि स्टूडेंट हमें सिर्फ रिटर्न में करना है या हमने बस लिख लिया, इसको समझो। इससे रिलेटेड कोई और पिक्चर आए देन वट यू विल राइट, हाउ यू विल राइट द आंसर। सो वट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? We will check the next question, that what is given in the next one. In place of hot climate, students, जहाँ पर hot climate होगा then what we will do there? In place of hot climate it is advised, वहाँ पर क्या advise करते हैं, बताते हैं कि जो outer wall of house है ना be paint white। उसको हमें कैसी color, कैसा करना paint करना चाहिए students? White color। Suppose this is a house, अब ये हाउस है स्टूडेंट, इस हाउस के क्या बताते हैं कि जो आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल, इसको आप कैसे पेंट करोगे आउटर वॉल्स में? ये तो रूफ हो गया यहाँ पे, ये आउटर वॉल्स को आप कैसे कलर की पेंट करोगे, ऐसे सामने से ऊपर आगे से? सो इट इज़ विथ वाइट कलर। नाउ व्हाई? सो द आंसर इज़, डोंट स्टार्ट विद द आंसर बिकॉज, सो आंसर स्टार्ट फ्रॉम हेयर। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द वॉल्स ऑफ द हाउसेस बी पेंटेड वाइट बिकॉज, ये लिखने के बाद आप बिकॉज लिखोगे, बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम हीट विच फॉल्स ऑन them. So because white color reflects maximum heat which falls on them, जितनी हीट वाइट कलर पर गिरेगी उसका मैक्सिमम हीट को क्या कर देंगे, वो रिफ्लेक्ट कर देंगे। सेम अगर यहाँ पर वाइट पेंट की जगह पर आ जाए वाइट कलर क्लोथ्स, सो वाइट इज़ एडवाइज्ड इन अ हॉट क्लाइमेट दैट वी हैव टू वेयर वाइट कलर क्लोथ्स या लाइट कलर क्लोथ्स, बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मैक्सिमम हीट विच फॉल्स ऑन देम। ये वाइट कलर क्लोथ्स की हो जाएगी। वट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन?
क्वेश्चन नंबर एट. What is the next question, students? Question number 8. What is the question number 8 ask? That we have seen 1 liter of water. Kitna students? 1 liter of water. 1 liter of water at 30 degree Celsius. I am showing you here. This is a beaker. Okay. And this one is one more beaker. दोनों के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? इन बोथ द बिकर देर इज़ वाटर. क्या बोथ बिकर हैविंग वाटर. नाउ वन बिकर टेम्परेचर इज 30 डिग्री. अदर बिकर टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज, ये वाटर है सो 1 लीटर. दोनों में वाटर भी कितना है स्टूडेंट? 1 लीटर. हेयर ऑल्सो 1 लीटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों बिकर के अंदर. बट इस बिकर के वाटर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. कितना है स्टूडेंट? 30 डिग्री सेल्सियस. एंड दिस वन 50 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों पानी को अगर हम मिक्स करके इस बिकर के अंदर डाल देंगे, दिस वाटर एंड दिस वाटर, इफ़ आई विल मिक्स इट टुगेदर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर? द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, इस मिक्सचर का क्या टेम्परेचर होगा? तो इस मिक्सचर का टेम्परेचर स्टूडेंट हमें मालूम है कि कम से कम कितना है 30 डिग्री, मैक्सिमम कितना है 50 डिग्री. तो दोनों मिक्स करने के बाद 30 से तो कम नहीं मिलना चाहिए और 50 से अबव नहीं होगा. सो आंसर इज डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? दैट इज डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट an iron ball of 40 degree celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree celsius. The heat will be, heat ka kya hoga? See, this is a beaker. In this beaker is water. Kya student? Water. Water ka formula kya hota hai? H2O. Sath sath mein learn kya karo. Now this temperature of this water is 40 degree celsius. Ab ye 40 degree celsius is आयरन बॉल का टेम्परेचर कितना स्टूडेंट है? 40 डिग्री सेल्सियस. इस आयरन बॉल को मैंने यहाँ रख दिया और इसका भी टेम्परेचर क्या है? 40. वाटर का भी टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस. बोथ 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस. नाउ ये बॉल किससे बनी हुई है? दिस बॉल है आयरन. आयरन क्या होता है स्टूडेंट? एक मेटल है. आयरन इज़ व्हाट? ए मेटल. दिस इज़ ए मेटल. आयरन इज़ ए मेटल. और हमें पता है मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है तो व्हाट आई टोल्ड कि किसी चीज़ से हीट ट्रांसफ़र होती है. अगर ये ज़्यादा गर्म था और ये ठंडी थी तो स्टूडेंट हीट यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र होती. अगर ये ज़्यादा था हीट और ये कम होता वाटर का टेम्परेचर तो हीट इस डायरेक्शन में फ्लो होती, हायर से लोअर. लेकिन कब तक फ्लो होती है? आई ऑलवेज टोल्ड when both the temperature will become equal. इस hot iron ball और water का temperature जब तक equal ना हो जाए तब तक heat flow होती रहेगी. But यहाँ क्या है? Always equal है. Water का भी 40 है, ball का भी 40 है. तो what happened? Not flow from iron ball to water. Iron ball से water में भी heat flow नहीं करेगी और from water to iron ball, और water से iron ball भी heat flow नहीं करेगी. It is clear. So the answer is B. What is the next question? A wooden spoon is dipped. Kya student? So what is the answer here? So ek wooden, next question student. A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. This is a cup. Iske andar kya hai? Ice cream. Iske andar humne kya hai? Ek lakdi se bani hui student. एक स्पून हमने रख दी. नाउ अब इस एंड को आप टच करोगे कैसा होगा? सो डज नॉट बिकम कोल्ड. कोल्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि वुड क्या है स्टूडेंट? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर है. दिस इज क्योंकि वुड क्या है स्टूडेंट? बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अगर ये गुड कंडक्टर होता तो हीट ट्रांसफ़र हो जाती यहाँ तक. बट नाउ इट इज़ बैड कंडक्टर. वुड इज़ बैड कंडक्टर. सो बिकम कोल्ड? नो. बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन बिकम कोल्ड, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन बिकम कोल्ड, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ऑल आर रॉन्ग. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज डज नॉट बिकम कोल्ड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is the next question? Stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. जितने भी stainless steels होते हैं, जैसे मान लो ये container है, ये stainless steel से बना हुआ, ओके. अब ये stainless steel का जो ये container है स्टूडेंट, इसको bottom से आपने देखा होगा नीचे copper मतलब तांबा लगाया हुआ था, ब्राउन कलर का आपने देखा होगा. ब्राउन कलर की एक लेयर होती है पतली सी. क्यों होती है कॉपर की लेयर? सो कॉपर बॉटम मेक द पैन मोर ड्यूरेबल, ऐसा कुछ नहीं है. नो, सच पैंस अपीयर कलरफुल. कलरफुल के लिए थोड़ा इसको करेंगे कोई, यहाँ पे यूटेंसिल है बेटा. सो कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील. सो यहाँ पे क्या है, कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट. सबसे जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है वो क्या है, सिल्वर. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है स्टूडेंट, सिल्वर. और सिल्वर के बाद क्या है, ये कॉपर. इसलिए स्टेनलेस स्टील्स के नीचे अगर हम ये लगाएंगे तो ये यूटेंसिल के अंदर जो भी चीज़ होगी, फूड हम रख रहे हैं, वो जल्दी कुक होगा. क्या होगा, वो जल्दी कुक होगा. क्यों? क्योंकि उसके नीचे कॉपर लगा दिया है और कॉपर बेटर कंडक्टर है किससे, स्टेनलेस स्टील से. समझ है ना. व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नाउ वी विल डिस्कस सम कीवर्ड्स. व्हाट इज़ सेल्सियस स्केल स्टूडेंट? सेल्सियस स्केल क्या होता है स्टूडेंट? सो सेल्सियस स्केल, फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल. सो सेल्सियस स्केल इज ए स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर सेल्सियस सेल्सियट यूनिट. ए स्केल विच इज़ यूज टू मेजर सेल्सियस यूनिट. सेल्सियस यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल. सो ए स्केल विच इज़ यूज टू मेजर सेल्सियस यूनिट्स इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल. दिस इज द फर्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन स्टूडेंट? नेक्स्ट इज कंडक्शन. कंडक्शन का क्या होगा स्टूडेंट्स? कंडक्शन इज, सो व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दैट इज कंडक्शन. कंडक्शन ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इजीली गिवन आपको कंडक्शन, कंडक्टर, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज. ये देखो इधर इट इज गिवन कंडक्शन. आई विल शो यू हियर. This is the answer of land bridge, sea bridge. यहाँ पे भी को छोड़ो, पहले हम conduction देख लेते हैं. I will show you the answer conduction. ये देखो. So the process, what is the keyword you have to write for this heat? That is, student, the process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. Or in solids generally kaun sa process hoga students, conduction. So this keyword is here, conduction. Now what is the next one? Conductor. Conductor keyword bhi tha wahan pe students. So see the material. क्या बता रही हूँ मैम यहाँ पे, द मेटेरियल विच एलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. उसको हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टर्स. अगर एग्जांपल पूछे इसमें, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर. इंसुलेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंसुलेटर द मेटेरियल विच डू नॉट एलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर नोन एज इंसुलेटर्स. क्या बताया, द मेटेरियल विच डू नॉट एलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर नोन एज इंसुलेटर. समझ में आ गया, इंसुलेटर भी हो गया, कंडक्टर भी हो गया. अब देखो नेक्स्ट, इंसुलेटर और कंडक्टर के बाद स्टूडेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट वन हियर? You can see in this next pages, conduction.
कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे। सी ब्रिज का देख लो, यहाँ पे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, कन्वेक्शंस का हम मैं लास्ट में यही लिख देती हूँ स्टूडेंट। कन्वेक्शन का कीवर्ड क्या होगा, इजी है जो, दैट इज़ यू कैन राइट हेयर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या स्टूडेंट, सो कन्वेक्शन द फ्लो ऑफ हीट बाय द मोमेंट ऑफ लिक्विड, द फ्लो ऑफ हीट बाय द मोमेंट ऑफ, द फ्लो ऑफ हीट बाय द मोमेंट ऑफ द लिक्विड, मोमेंट ऑफ द लिक्विड और किसकी मोमेंट होती है स्टूडेंट्स, लिक्विड और गैसेस इटसेल्फ, हम उनकी मोमेंट नहीं करवा रहे, इटसेल्फ कहाँ से फ्लो रही है, फ्रॉम ए प्लेस, फ्रॉम ए प्लेस बोल दो या रीज़न बोल दो, फ्रॉम ए रीज़न लिख देते हैं जो इजी है, फ्रॉम ए रीज़न ऑफ हायर टेम्परेचर टेम्परेचर टू ए प्लेस ऑफ टू अ प्लेस ऑफ लोअर टू ए प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर लिखा नहीं आ रहा, ठीक है यहाँ पे टेम्परेचर लिख देना लास्ट में। सो कन्वेक्शन क्या होगा, द फ्लो ऑफ हीट, हीट फ्लो हो रही है, कैसे हो रही है बेटा, बाय द मोमेंट ऑफ द लिक्विड, हीट फ्लो हो रही है, जब लिक्विड मूव करेगा या गैस मूव करेगा इटसेल्फ खुद, तो क्या होगा, हीट फ्लो होगी, फ्रॉम ए रीज़न ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए रीज़न भी लिख सकते हो यहाँ पे ताकि और ईजी रहे आपके लिए, रीज़न लिख लो टू ए, यहाँ पे क्या लिख लो स्टूडेंट, रीज़न टू ए रीज़न, यहाँ लिखा नहीं जा रहा, ओके सो टू ए रीज़न ऑफ लोअर टेम्परेचर, ठीक है टू ए, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, रीज़न। अब आ जाएगा नेक्स्ट वन, व्हाट इज वी हैव डन, सो रेडिएशन देखो, ये रहा रेडिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, रेडिएशन क्या होगा, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, सो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट यहाँ पे क्या लिखो आप, इन विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट के बाद क्या लिखोगे, बस हीट तक लिखोगे स्टूडेंट, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, सो दैट इज़ नोन एज, सो दैट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज रेडिएशन, दैट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज रेडिएशन, दैट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नोन एज रेडिएशन, सो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दैट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नोन एज रेडिएशन, क्या बोलते हैं उसको हम, रेडिएशन। नाउ वी विल सी व्हाट कीवर्ड्स लेफ्ट, विच कीवर्ड्स वी हैव लेफ्ट स्टूडेंट्स, we have discussed celsius, kaun sa hoga students hamara celsius, convection bhi ho gaya, insulator, radiation, now land breeze, sea breeze, temperature aur thermometer, thermometer kya hai student, thermometer is a device which is used to measure temperature,
thermometer is a device which is used to measure temperature. Used to measure temperature. What we call that device, students? Thermometer. उसको हम क्या बोलते हैं? Thermometer. What is the next one? Temperature. Land or sea breeze को बोलती हूँ. The degree of hotness or coldness of an object. The degree of hotness or coldness of an object is known as temperature. क्या बोलते हैं उसको हम? Temperature. Land breeze और sea breeze का देखो बेटा, sea breeze क्या होगा? The breeze which flows during daytime from sea towards land. और land breeze क्या होगी? The breeze which flows during night time from land. एक बार लिखी देती हूँ, क्या है land breeze? The breeze that blows during night time from land towards sea. So the breeze that blows during night time from land towards sea. और जो ये sea breeze होगी, ये कौन सा होगा students? Sea breeze is the breeze that flows भी लिख दो या flows लिख दो, ये भी ठीक है. That flows during day time from sea to land areas. ठीक है. The breeze that flows during day time from sea to land areas, so is called, what we call this one, is called sea breeze. समझ आ गया? So I think we have discussed all the keywords and all the question answer. So students, all the things I have discussed here, all exercise question answer and this one. Now you have to write all this in your notebook. Now one question I have asked, I want to ask students, what is this question? Question students, today I want to ask one question. Give the answer in the comment box. Okay, क्या question है students? When a liquid is heated, किसी भी liquid को हम heat करते हैं, mostly liquid is heated, it क्या होगा ये? It contracts. It contracts. B, it expands. देखो exceptions कुछ भी हो सकते हैं, but mostly क्या होता है? When a liquid is heated, it contracts, it expands, remains same. D, none of these.
So students, give the answer of this question in my comment box. So what is the question? When a liquid is heated, it contract hoga, expand hoga, remain same, none of these. So thank you students for watching my videos.